कोरोना ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाएंगे यूपी के रामपुर की वो दर्दनाक तस्वीरें जिसमें सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे कोरोना मरीजों का ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर झोला छाप इलाज कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर ने मौके पर सिस्टम की पोल खोलती तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की और मरीजों के परिवार वालों से उनका दर्द जाना। आप खुद ही सुनिए इनकी जुबानी। बुखार आ रहा था, खांसी थी, फिर कितनी देर बाद इलाज विलाज मिला उनको? 4-5 दिन इलाज करवाया, मुरा दवा उसके बाद अस्पताल में गया। एक्सपायर हो गए? रिपोर्ट कराई थी कोरोना? अच्छा, वैसी मौत हो गई अचानक? तो कोई स्वास्थ्य सेवाएं, कुछ स्वास्थ्य टीम कोई गांव घर पहुंची आपके? वैक्सीन लगी आपके परिवार को? वैक्सीन नहीं लगी। सैनिटाइज हुआ आपका घर गांव? हुआ था। सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के गंगापुर गांव की है, जहां स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां कोरोना के डर की वजह से ग्रामीण झोला छाप डॉक्टर मेडिकल स्वामी से मरीज उपचार करा रहे हैं, जबकि फर्जी डॉक्टर इलाज के नाम पर 3 मरीजों से ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर मोटी रकम वसूल रहे हैं और कोरोना मरीजों की जान से खेल रहे हैं। जिले में कोरोना मरीजों की इलाज के अभाव में अनगिनत मौत हो रही है, पर फिर भी स्वास्थ्य महकमा और जिला प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। रामपुर जिले के चौपुरा मसवासी में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, पर मृतकों के परिवार वालों की अभी तक कोई टेस्टिंग नहीं हुई, ना ही वैक्सीन लगी है। हद तो तब हो जाती है जब मृतकों के परिजन अपने घरों और गलियों में खुद सैनिटाइज कर रहे हैं। कोरोना से हुई मौत के बारे में खौफनाक मंजर बयां करते परिवार के लोगों को सुनिए। उनको खांसी जुकाम बुखार 4-5 दिन से आया था, फिर हमने टेस्ट कराया उसका, तो उसके लक्षण आए कोरोना के। हाँ। तो मौत कितने दिन बाद हो गई? ये लगभग 7-8 दिन बाद। अच्छा, मौत के बाद कोई अधिकारी की टीम आई यहाँ पर जांच पर? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं। यहाँ कोई सैनिटाइज किया गया आसपास में? सैनिटाइजर एक आध बार भी नहीं हुआ। कोई बार किसी ने सुध ली आपके घर में कोई वैक्सीन लगनी है? कुछ नहीं करा, खाली हमने अपने खुद पैसों से सैनिटाइजर अपने पूरे घर में करा। वैक्सीन लगाने कोई गवर्नमेंट की टीम आई? नहीं, कोई नहीं आया। मैं सभासद मोहम्मद आजम, वार्ड नंबर 4, नगर पंचायत मसवासी से हूँ। यहाँ पर लगभग 20 से 25 मौतें जो हो चुकी हैं, 20 मौतें समथिंग हुई हैं, और पूरे उसमें डिस्ट्रिक्ट रामपुर के अंदर तो हज़ारों में मौतें हुई हैं। लेकिन मसवासी के हालात ये हैं कि जितनी भी मौतें हुई हैं उनके घर कोई भी शासन से या प्रशासन से नहीं पहुँच रहा है, जो कि जो और बचे उन परिवारों में लोग हैं उनके टीकाकरण किया जा सके, या जो आपदा एक ये जो कोरोना है ये एक आपदा बीमारी है जिसमें मुआवजे दिए जाते हैं घर वालों को। आज तक मसवासी के अंदर किसी भी परिवार को जिन्हें कोरोना से मौत हुई है या आपदा के अंदर मौत हुई है उनको किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। यहाँ करके कि मसवासी के कोई भी आंकड़े नगर पंचायत द्वारा नहीं लिए जा रहे हैं कि किसी को मुआवजा मिले, ये हालात इस नगर पंचायत मसवासी के हैं। रामपुर से अफ़ान अहमद, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।